देखिए, मैं थोड़ा सा एक तो इस मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि क्या इश्यूज हैं मध्य प्रदेश में। प्रदेश में हिंदुत्व तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप अगर देखें बीजेपी की पूरी कैंपेन, तो पूरी चुनावी मुहिम देखें, पूरा का पूरा एक्सपोजर देखें, तो उन्होंने पोलराइजेशन की और हिंदुत्व की और सारी चीजें बंद कर रखी हैं। अभी आप मध्य प्रदेश में काफी चीजें रही हैं हिंदुत्व को लेकर। ये हिंदुत्व की बड़ी प्रयोगशाला रही है यहाँ। आप वहाँ बहुत स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई हो, या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो, या इलाके हैं यहाँ, खरगोन का इलाका है जहाँ अभी काफी दंगे हुए थे, लोग पलायन करने लगे थे। मैं गिनाना नहीं चाहता, पर आप पाएंगे कि एक अजीब तरह की शांति छाई हुई है हिंदुत्व के मोर्चे पर। और उसके विपरीत जो है कांग्रेस में, आप पाएंगे कि जो कमलनाथ हैं वो, या उनके साथ के जो लोग हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पेडलिंग कर रहे हैं। जो जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, उससे जो मैसेज जा रहा है वो ही जा रहा है। तो उसका नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है और उनके वर्कर्स को भी। मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश में? जो लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो भी क्यों नाराज हैं? वो मतलब वो हिंदुत्व को क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं? व्यापारी यहाँ का बुरी तरह परेशान है करप्शन के कारण और जीएसटी के कारण। इतना ज्यादा भयानक करप्शन है यहाँ कि यहाँ के पूरे उद्योग धंधे पूरे के पूरे ठप पड़े हैं। क्राइम में मध्य प्रदेश नंबर वन है। मतलब आप पाएंगे कि यहाँ अपराधों के मामले में पॉपुलेशन, मतलब आप आश्चर्य करेंगे अगर मध्य प्रदेश के अखबार उठा के देखें, इंदौर की ही देख लें आप, हर दूसरे दिन एक मर्डर हो रहा है, छोटी छोटी बात पर, सड़क पर हो रहा है। पूरा का पूरा कोलैप्स है सिस्टम यहाँ। बेरोजगारी यहाँ इतने प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ युवाओं के बेरोजगारी को लेकर, कि सबसे ज्यादा नाराजगी है यहाँ युवाओं की। जो अभी प्रधानमंत्री ने शायद बधाई दी है मुख्यमंत्री को कि आपने 50,000 भर्ती निकाली है किसी शिक्षकों की या किसी तरह। यहाँ एक से एक चीज नहीं है, यहाँ एक टोटलिटी में पॉपुलेशन में नाराजगी है, और वो सरकार के खिलाफ नाराजगी है। तो वो जब इतनी जबरदस्त नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ है, मंत्रियों के खिलाफ है, नौकरशाहों के खिलाफ है, तो उसमें हिंदुत्व का कहीं मामला लगता ही नहीं है कि लोग हिंदुत्व को लेकर, अगर अभी वो हिंदुत्व की बात, पूरी की पूरी माइनॉरिटीज नाराज है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, पर फिर भी कम से कम 6 जिले ऐसे हैं, 7 जिले ऐसे हैं जहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पूरे के पूरे इलेक्टोरेट को प्रभावित करने वाली है मध्य प्रदेश में। मतलब भोपाल को तो छोड़ ही दें जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये जो, और दूसरा ये कि 18 साल से एक आदमी बना हुआ है पूरे के पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है। वो लोग, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल देती तो बहुत सारी चीजें हो जाती, पर आप पाएंगे कि उनके पास कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं बदलने को। बीजेपी के पास, जो बीजेपी के पास सबसे बड़ी परेशानी ये है, कांग्रेस के पास भी है, कि बीजेपी के पास कोई, मतलब शिवराज सिंह के अलावा कोई आदमी नहीं है। मतलब पिछले 16-17 सालों से, 2014 से जब शिवराज सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे मोदी जी के मुकाबले, तब से ये बात चल रही थी कि अब तो इनका पत्ता कटा, और ये तब से बने हुए हैं, सत्ता में बने हुए हैं शिवराज सिंह। ये इनका रिकॉर्ड जो है सत्ता में बने रहने का मोदी जी से लंबा रिकॉर्ड है, मतलब संसद का भी इनका कार्यकाल मिला ले दो। तो इसलिए कुल मिलाकर जो यहाँ मुद्दे हैं वो ये है कि भाई इनको तो अब करो विदा, इनको तो जाना ही चाहिए। ये है, पर
सवाल फिर यही है कि जो इसका इम्पैक्ट मोदी जी पर जबरदस्त पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा, आसपास के राज्यों पर पड़ेगा, वो पड़ने वाला है, काफी पड़ने वाला है। और इसमें अगर कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप इंटरवीन नहीं करती है, वो प्रचार नहीं करती है, आती नहीं है, डिसाइसिव तरीके से कैंपेनिंग नहीं करती है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का नेचुरल वोट जितना होता है वो मिलेगा, और उसमें ये हो सकता है कि पूरा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वो सीटें जो है नेक एंड नेक वाली स्थिति रहे। कर्नाटक में आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने कैंपेन किया वहां, बुरी तरह के। आपको मतलब आप अगर कर्नाटक के, वहां भी उतनी सीटें हैं जितनी यहाँ, 224 सीटें हैं शायद कर्नाटक में, यहाँ 230 सीटें हैं। वहां लोकसभा की 28 सीटें हैं या 30 सीटें हैं, 29 सीटें हैं। तो आप कर्नाटक को यहाँ पूरा का पूरा देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, बारिंग इस चीज के कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और SC ST पॉपुलेशन है वो काफी बड़ी है और डिसाइसिव। 80 सीटें हैं जो ट्राइबल और SC ST की मिला, ये बड़ा चंक है। और ट्राइबल पॉपुलेशन में शहडोल में और बालाघाट में और मंडला में, ये तमाम जो ट्राइबल है, यहाँ बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था पिछली बार, बीजेपी ने गेन किया था विंध्य में, और ये जो पेशाब की घटना है वो विंध्य में हुई है। पिछली बार अजय सिंह हार गए वहां, राजेंद्र शुक्ला हार गए, तमाम लोग हार गए। इस बार क्या हो गया है कि विंध्य पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, काफी कुछ खड़ा हुआ है। तो ये एक जो आप कुछ भी कारण कह सकते हैं, इसमें कारण ये नहीं है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं, कारण ये है कि लोग बीजेपी से नाराज हैं। तो यहाँ कोई, चूंकि बाइपोलर स्टेट है, यहाँ कोई तीसरा फैक्टर है नहीं कि जिसको आप, जैसे उत्तर प्रदेश का अपन बार बार बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मायावती भी है, और उधर चले जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो RLD भी है। यहाँ कोई जिस तरह का है नहीं, न छत्तीसगढ़ में है, न मध्य प्रदेश में है, न राजस्थान में है। बीजेपी इसीलिए बहुत ज्यादा चिंतित है कि यहाँ अगर हार गए तो वो एक बहुत बड़ा टेस्ट केस हो जाएगा, और वो रिजेक्शन ऑफ मोदी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट यहाँ आए ही नहीं पूरा का पूरा, कि आप किसी को, यहाँ कोई मायावती नहीं है कि जिसको आप पॉपअप करके खड़ा कर दें और वोट कटवा दें, ना आम आदमी पार्टी है यहाँ पर गुजरात की तरह कि आप, मतलब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया, अगर आप उनका वोट शेयर देखें 11-12% का, हालांकि सीटें कम है, तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया, यहाँ कोई नहीं है। तो ये डायरेक्ट फाइट है इसमें, और ये पूरे के पूरे जितने यहाँ संकेत हैं वो पूरे बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए ये पूरी की पूरी लड़ाई बीजेपी के सिर पर है। और अमित शाह ने यहाँ, अमित शाह नहीं, सारी सेंट्रल लीडरशिप, यहाँ कई मंत्री हैं मध्य प्रदेश से केंद्र में, मतलब प्रहलाद पटेल भी हैं, कुलस्ते भी हैं, ज्योतिरादित्य भी हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, और जो VD शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष, वो तो वो भी सांसद हैं वहाँ दिल्ली में। इतने ज्यादा लोग यहाँ हैं, और राज्यसभा में जो लोग हैं मध्य प्रदेश से वो अलग हैं, पूरी ताकत झोंक रखी है। उसके बाद अगर हारते हैं, इसमें एक चीज केवल और कह रहा हूं कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने अपने सिर पे ले लिया था पूरा का पूरा वहां, और हार गए, तो वो ये प्रोजेक्शन बना कि प्रधानमंत्री की हार हो गई। यहाँ प्रधानमंत्री कितना टाइम देना चाहते हैं, कितना देंगे, वो एक अलग मुद्दा है। यह पूरा कमान जो है वो, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार इन्होंने कहा था, अमित शाह ने 200 सीटें जीतेंगे 2018 में,
इस बार वो कह रहे हैं हम 150 सीटें जीते, मतलब आप जो क्लाइम डाउन है 150 से ज्यादा जीते। तो वो भी देखिए आप, कि पिछली बार भी कहा था कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा और शिवराज सिंह को बनाया, इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री का कोई फेस अनाउंस नहीं किया है मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़ में तो अभी जो दिख रहे हैं वो तो शिवराज ही दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करवट ले रहा है और वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा अखिल भारतीय स्तर पर। बिल्कुल, आपने कहा ये लोकसभा की तर्ज पे भी है मामला। एक चीज मैं देख रहा हूँ, तीन हिंदी भाषी जो राज्य हैं, तीनों में एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और आने वाले टाइम में जो कर्नाटक में हुआ, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, तमाम एक पूरा अगला हरावल दस्ता उतर गया था कांग्रेस। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।